अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने सीधे साथी श्री सुरेंद्र गुप्ता जी को कि वो भी स्टेज से नीचे आए और सेकंड पोजीशन अंडर 14 कार्ड गोज टू जोन 17 जोन 17 की टीम आए और अपनी जो भी आपका और मैं बच्चों बता दूं पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था उससे पहले भी सर के प्रयासों से ये ट्रॉफी मिल रही है कई साल के बाद फिर ट्रॉफी बीच में गायब हो गई थी एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए हम संजय सर के लिए बहुत बहुत चमकती ट्रॉफी दिखाई दे रही है और थैंक यू गुप्ता सर अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े भाई अजय यादव जी को कि वो भी स्टेज से नीचे आए और अंडर 14 गर्ल्स पहली पोजीशन जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है जोन 22 तालियां बजती रहनी चाहिए अगर आप इनके लिए ताली नहीं बजाओगे तो आपके लिए कोई नहीं बजाएगा फिर तो थोड़ा हाथ में पीछे पीछे नहीं हुई थी कहीं और मैं राकेश बेनीवाल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर सीट के पास वहां खड़े रहे उनके प्रयास भी बड़े सराहनीय रहे वॉलीबॉल के अंदर प्लीज प्लीज बेनीवाल जी अब है लड़कों की बारी तालियां बजा दो भाई अपने लिए मैं जोगिंदर सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी नीचे आए और बच्चों को थर्ड पोजीशन गोज टू जोन 11 अंडर 14 बॉयज
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनंदा मैम, सुनंदा मैम को जो कि एसओ के पद पर कार्यरत है, स्पोर्ट्स एसओ स्पोर्ट्स छत्रसाल स्टेडियम के अंदर ये कार्यरत है और खुद वॉलीबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी है और सिल्वर मेडलिस्ट है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की। और जो आप सोच रही है मैं नहीं बोलूंगा उसको, मैं आप जिस टीम को आमंत्रित कर रहा हूं अंडर 17 गर्ल्स जोन 22, इन्होंने तीसरा संपर्क किया, सेकंड रनर अप रही टीम, सेकंड रनर अप टीम, इन्होंने तीसरा संपर्क किया है। उस टीम को पुरस्कार देते हुए और हमारे इनके साथ में आशीष जो इनके कोच हैं और जो हमारे आप अंडर 19 फाइनल के रेफरी भी थे वो भी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने समय के बेहतरीन सेटर, बहुत अपने समय के इंटरनेशनल सेटर रहे हैं श्री सौरभ सुदन जी। वो समझ तो गए थे सर, लेकिन चाय का चस्का इतना जबरदस्त था कि नहीं छोड़ पा रहे थे, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। अपने समय के बहुत बेहतरीन ग्लैमस खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे। अब मैं जिस टीम को आमंत्रित कर रहा हूं अंडर 17 बॉयज में, जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है जोन 21 बॉयज को 21, और बच्चों इस खिलाड़ी के अगर आपने थोड़ा सा भी 10-20% भी ले लिया ना तो तुम्हें इंडिया खेलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, इनका फिंगर टच मलाई की तरह होता था बिल्कुल। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिसको देख के हम युवा भी बूढ़े हो चले हैं और जिनकी पर्सनैलिटी एक मिसाल है, जिनकी फिटनेस मिसाल है, श्री पाल किशन शिकारा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उनको देखते देखते पूरी जनरेशन बीत गई है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब अंडर 17 बॉयज में जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है जोन 23, जोन 23 तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में क्या कमी है भाई, इतनी ठंड में तालियां बजाओगे तो ठंड दूर भर जाएगी। और ये तो एक सुंदर सा लड़का इनके साथ में खड़ा है रेड जर्सी में, ये इनके सुपुत्र है भाई मनोज जी, तो दोनों बाप बेटे की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, बच्चों का तालियां हो जाएंगे। भगवान इनको लंबी उम्र दे और ये फैमिली ऐसे ही हस्ती खेलती रहे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के कोच रहे हैं जो अपने समय के बहुत बेहतरीन कोच रहे हैं, जिनकी रहनुमाई में बहुत सैकड़ों प्लेयर यहां से खेल खेल के निकले हैं, श्री रणदीप खापरा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इन्होंने कि बहुत लंबा समय मैं भी इनकी कोचिंग में खेला हूं, तो वो हमारे बीच मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब मैं जिस टीम को आमंत्रित कर रहा हूं अंडर 17 बॉयज में जोन 9, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और ये दोनों स्वागत खड़े हैं और किया दाएं बाएं, नीचे बैठ जाओ बेटे, इनके चरणों की धूल बहुत कीमती है। कर रहा हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि जिनकी रहनुमाई में यह सारी दिल्ली का स्पोर्ट्स हो रहा है, जिनके कंधों पे सारा दिल्ली का स्पोर्ट्स है, जिन्होंने आने के बाद दिल्ली के स्कूल स्पोर्ट्स के अंदर आमूल चूल परिवर्तन किया है,
प्राप्त करें। अब दूसरा स्थान जिस टीम ने प्राप्त किया है वो है अंडर 19 बॉयज में जोन 9, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया। तालियां कब पड़ जाती है बेटा, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन था उनका, बहुत ही सुंदर। बहुत ही अच्छा खेल दिखाया इस टीम ने जोन 9 के, और जितने भी इनके साथ कोचिज आए हुए हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन, और देश जितने भी अच्छा खेले उनका भी धन्यवाद। अब मैं उस टीम को आमंत्रित कर रहा हूं जिसकी प्रैक्टिस इसी सेक्टर पे होती है, ज्यादातर इसी कोर्ट के खिलाड़ी है, इसी ग्राउंड के खिलाड़ी है, जोन 11। जोन 11 की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है अंडर 19 बॉयज में। नीचे बैठ जाओ बेटा, नीचे नीचे बैठिए साहब प्लीज। ये बेनीवाल कहीं ना कहीं राकेश बेनीवाल की झलक नजर आ रही है, तो बहुत हाँ यस बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और मैं सर से गुजारिश करूंगा में जो 15 दिन से लगातार बड़ा शालीनता से काम करते रहे यूट्यूब चैनल वाले भाई हमारे, वो भी आ जाए, उनका भी हम बुके देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। इधर आइए, क्योंकि आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम करते रहे। ये यूट्यूब चैनल है भाई, जब जाए अपना एड्रेस लेगा ना उसका, और जब भी अपना मैच देखने का मन करे तो उसको खोल के देख लेना, और उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए उसको। अब मैं सर से गुजारिश करूंगा कि इतने शानदार आयोजन के लिए इन बच्चों के लिए पोषक आज अंतिम दिन और इतना सुंदर आयोजन, सबसे पहले आयोजककर्ताओं के लिए एक बार जोरदार ताली मिली। मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथि चितारा साहब, दहिया साहब, तमाम जोगिंदर जी, मेरे सारे कोचेस अजवंत, मनोज, राकेश, सुनंदा, सारे जोन्स के रिप्रेजेंटेटिव, वहां के कोचेज, सारे खिलाड़ी, उनके पेरेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल के अधिकारी, आज इंटर जोनल
टूर्नामेंट वॉलीबॉल का ये फाइनल डे है और इतना सुंदर आप लोगों ने खेल का प्रदर्शन किया, वाकई काबिले तारीफ है। आज के इस प्रदर्शन और खेल को देखकर हमारा उत्साह और बढ़ता है और हम आपके कोचेस या आपके माध्यम से या आपके इनपुट को लेकर हम इस गेम को और कहां किस ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं इस बारे में हमारी इच्छा और बढ़ती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस गेम में आपको दिग्गज खिलाड़ियों का साथ मिलता है और ये अब भी इस खेल से इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं कि आपके हर एक एक स्मैश को शेयर करते हैं, एक एक मैच को देखने आते हैं और आपका उत्साह वर्धन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे खिलाड़ियों के लिए। इनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ है, आपके कोचेस का साथ आपके साथ है और हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कसर होनी चाहिए कि अब हम दिल्ली को इस पर्टिकुलर खेल में किसी नए मुकाम पर लेकर जाएं। अभी खेलो इंडिया हमारे पास 31 जनवरी से शुरू है और हमने कोशिश की है कि जो द बेस्ट टीम है उसको हम सेलेक्ट करें। और अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि जो खेलो इंडिया में टीम हमारी सेलेक्ट हुई है उनकी कैंप हम लोग इमीडिएट स्टार्ट करें और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि एक हमारा बास्केटबॉल का इंडोर स्टेडियम बना है, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैं बास्केटबॉल को छोड़कर उसमें वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। कि जब आप लोग वहां मध्य प्रदेश में जाएं खेलने के लिए तो आपको प्रॉपर एक इंडोर की प्रैक्टिस का अनुभव हो और आप लोग वहां पे अव्वल करें। आप खेल से जुड़े रहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारा एक बौद्धिक शारीरिक विकास करता है और अब तो एक कैरियर का नया अपॉर्चुनिटी भी खोलता है। तो कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अव्वल होते हैं, कुछ लोग खेलने में अव्वल होंगे। हम खेल के माध्यम से भी करियर बना सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं, इसलिए आप लोग खेल से जुड़े रहिए, स्कूल में खेलिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो प्राइवेट स्कूल में अपने स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्टेडियम से जरूर जुड़े रहिए, हमारे कोचेज हमारे साथ, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें भी स्कूल के लेवल पे क्या हो रहा है, कौन खिलाड़ी निकल के आ रहा है या और कोई चीज इनपुट हो तो हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जब हम लोग निकलेंगे, अभी इंटर जोनल हमारी राइवलरी है लेकिन हमें दिल्ली के लिए खेलना है एक दिन, जब दिल्ली के लिए खेलना है तो फिर ये जोन वोन सब खत्म हो जाएगा, हम दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी में से कुछ बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप इस गेम को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं और विशेषकर लड़कियों का, और मेरा इस बार इंटर जोनल में सौभाग्य रहा कि मैं शायद तीसरी या चौथी दफा आया हूं इस पर्टिकुलर गेम को, शायद स्कूल में कभी मैं भी पढ़ता था तो मेरे यहाँ दो ही गेम था, फुटबॉल और वॉलीबॉल, मैं भी कभी वॉलीबॉल खेलता था, तो इससे मुझे ज्यादा प्यार है इस गेम से, इसलिए मुझे जब भी बुलाया जाता है मैं वॉलीबॉल के लिए जरूर आता हूँ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपका जो भी अचीवमेंट है उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। जो आज किसी वजह से सेकेंड या रनर अप, फर्स्ट रनर अप रहे, उनके लिए भी ढेर सारी बधाई है, आप और मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए और अगले साल फिर आप नंबर वन आएंगे। कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है, आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि नए वर्ष में नए संकल्प के साथ, नए टारगेट के साथ आप साल की शुरुआत कीजिए। गेम से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके कहे गए सभी वचनों पर हम अमल करेंगे। और अभी सभी खिलाड़ियों से मेरा आग्रह कि वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हमारे प्रोग्राम के आखिर में राष्ट्रगान की परंपरा है। एक मिनट सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं, सावधान की पोजीशन में। कार्ड सर, कार्ड तो